मेरा वार्ड मेरी समस्या में आज बात करेंगे। शहर के मध्य में स्थित छत्र विलास उद्यान में आने पर पर्यटकों के लिए बोटिंग की व्यवस्था की हुई है ताकि गार्डन में घूमने आने वाले लोगों और बच्चों को बोटिंग की सुविधा मिल सके। लेकिन पिछले कुछ समय में ठेकेदार की अनदेखी के चलते बोटिंग वाले तालाब में कमल के पत्तों के कारण गंदगी फैली हुई है। मेरा वार्ड मेरी समस्या में आज हम बात करेंगे नयापुरा स्थित छत्र विलास उद्यान में स्थित बोटिंग तालाब की। यहाँ पर किसी समय में बड़ी संख्या में पर्यटक बोटिंग के लिए आया करते थे, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही व अनदेखी के चलते पूरे तालाब के अंदर काई व कमल के पत्ते फैलने से अब धीरे धीरे बोटिंग के आंकड़े कम होते जा रहे हैं। हालात ये पहुंच गए हैं कि पूरे दिन में एक दर्जन पर्यटक भी बोटिंग के लिए नहीं आते। वहीं ठेकेदार ने बोटिंग के तालाब को साफ करने के लिए मात्र एक सफाई कर्मी लगा रखा है, जबकि तालाब पूरे तरीके से गंदगी से अटा पड़ा हुआ है। सफाई कर्मी का कहना है कि समय समय पर ठेकेदार द्वारा तालाब को साफ करवाया जाता है, अभी तालाब में पानी भी कम है और मजदूर भी घर गए, इसके कारण सफाई नहीं हो पा रही। वो अकेला ही दिन भर यहाँ पर काम करता है। कब से निकाल रहे हैं ये, कितनी फैली हुई है इसके अंदर? ये अभी क्या है, गर्मी की वजह से थोड़ा फैल जाता है इसे, मतलब जब ज्यादा हो जाती है तो मतलब जैसे कि फिर मशीन से साफ होता है, ट्रैक्टर मंगाते, लेबर लगाते ठेकेदार ही, ये वजह से जब सफाई होती है। अभी क्या तालाब में क्या स्थिति, अभी कितने क्षेत्र में फैली हुई है जलकुंभी ये कचरा? ये तो बस वहाँ तक कट जाता है तालाब, पर बाकी क्या है अभी कमल के पत्ते ये आ रहे हैं ना फूल, ये वजह से थोड़ा कटाना पड़ रहा है। ये भी गर्मी की वजह से लेबर छुट्टी में, गर्मी की वजह से छुट्टी, पानी थोड़ा कम हो रहा है भी, गर्मी की वजह से पानी टूट जाता है इसका, जब ऊपर तालाब का पानी टूटता है जब इसका टूटता है। तो अभी आप क्या साफ कर रहे हैं इससे? अभी तो खंजी साफ कर रहा हूँ, जो ऊपर के छर्रे वगैरह है जिससे चरने से लेता हूँ, मतलब गंदगी कम हो जाती है इससे। अकेले कर रहे हैं आप साफ इसको? अभी तो अकेला हूँ, क्या है अभी गर्मी की वजह से लेबर छुट्टी में, लेबर काम करने पा रही है। नाम बताए आपको? सोनू। वहीं बोटिंग ठेकेदार के कर्मचारियों का कहना है कि पहले बड़ी संख्या में लोग तालाब में बोटिंग करने के लिए आते थे, लेकिन गर्मी बढ़ने के साथ ही पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। उनके द्वारा तालाब को भी समय समय पर साफ करवाया जाता है, लेकिन जल स्तर कम होने से काई व कमल के पत्ते आ चुके हैं। वहीं प्रति पर्यटक 40 रुपए प्रति 15 मिनट का चार्ज रखा हुआ है। कुछ भी नहीं भैया, पहले तो जैसे माहौल रहता था, अभी तो गर्मी के टाइम कोई माहौल नहीं रहता, और माहौल नहीं रहने के कारण गर्मी की वजह से हमने लोगों को, जो टिकट वाले हमारे, उन सबको ही 3-3 घंटे का, 3.5 घंटे का रेस्ट देते हम लोग यहीं पे, यहीं पे जहाँ मैं खड़ा हूँ इसी जगह पे कूलर पे आके यहीं पे उनको ग्लूकोंडी भी पिलाते हैं, नींबू पानी भी पिलाते हैं और रेस्ट देते हैं। फिर 4:30 बजे करीब हम उनको टिकट देते हैं। तो अभी किराया कितना होगा इसका? किसका? बोटिंग का। बोटिंग का तो 40 रुपये किराया, 15 मिनट का। 15 मिनट वैसे रहते नहीं है कोई भी, तो चला भैया जब तक उसकी इच्छा होती है, उसको भी फोर्स नहीं करते कि तू चला के आ जा वापस, नहीं चला जितना, जब तक वो गर्मी से लोलुआ नहीं हो जाएगा ना तब तक वो बाहर नहीं आता। लेकिन एक चीज, इसमें पत्ते कमल खोपड़ी काफी ज्यादा होगी, पानी भी कम हो गया इसका? पानी का लेवल थोड़ा डाउन हो गया गर्मी की वजह से, लेकिन इसकी अभी सोल्यूशन निकाल दिया है हम लोगों ने, या तो आजकल में तालाब वापस फुल हो जाएगा, उस तालाब से पानी को इधर डाइवर्ट कर देंगे वापस, इसका लेवल इस तरह। लेकिन कायर गंदगी बहुत है इसके अंदर, अभी तो बहुत साफ है, अभी तो बहुत साफ है, वरना पूरे पे काई छाई रुकी पूरा हरा रहता है। फिर वोटिंग कैसे करेगा आदमी, चले ही कैसे वोट? मात्र दाना होता है जो पानी के ऊपर ऊपर ही तैरता है, उसमें कोई पसने वाला जैसे पंखा नहीं पसता है इसका, मतलब फ्री चलती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार पाटिल।